हेलो दोस्तों तो आज सिखाने वाला हूँ क्वाटाइल डिकाइल परसेंटाइल के बारे में ये क्या है आपको फुल कंसेप्ट समझा दूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन लिया है मैंने कैलकुलेट द थर्ड क्वाटाइल सिक्स डेसाइल एंड सेवेंटी परसेंटाइल फॉर द फ्लोइंग डेटा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है इसका थर्ड क्वाटाइल निकालना है सिक्स डेसाइल निकालना है एंड सेवेंटी परसेंटाइल निकालना है तो पहले हमको बुझना होगा क्वाटाइल है क्या डिकाइल क्या है परसेंटाइल क्या है और ये थर्ड कोटाइल सिक्स डिसाइल सेवेंटीन परसेंटाइल क्या होता है तो आइए जानते हैं इसका फुल कन्सेप्ट तो आपको फुल कन्सेप्ट समझने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कोटाइल कोटाइल्स डिटाइल्स परसेंटाइल के बारे में जो क्वाटाइल होता है वो क्वाटाइल में सिर्फ Q1, Q2, Q3 ही होता है हम लोग Q4 नहीं ले सकते Q5 नहीं ले सकते तो क्वाटाइल के अंदर Q1, Q2, Q3 पड़ता है सो क्यू वन को बोला जाता है फर्स्ट कोटाइल और लोअर क्वार्टाइल ठीक है उसी तरह से Q2 को बोला जाता है सेकेंड क्वार्टाइल और मीडियन ठीक है उसी तरह से Q3 को बोला जाता है थर्ड क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल सो so, फर्स्ट क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला है यहां पे देख सकते हैं आप लोग Q1 वन इज इक्वल टू साइज ऑफ वन इंटू एन प्लस वन बाई फोर तीस आइटम फोर्थ आइटम उसी तरह से Q2 का फॉर्मूला है साइज ऑफ टू इंटू एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम उसी तरह से Q3 का फॉर्मूला है साइज ऑफ थ्री इंटू एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम आपने क्या नोटिस किया एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम तीनों में है क्यू वन में वन आता है क्यू टू में टू आता है क्यू थ्री में क्यू थ्री में थ्री आता है आपको सिर्फ इतना ही याद करना होगा यहाँ पे दो फार्मूले देख रहे हैं साइज़ ऑफ सेकेंड क्वार्टाइल में साइज़ ऑफ टू इन टू एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम तो ये दो दो न चार कट जाता है तो एन प्लस वन बाई टूथ आइटम भी होता है आप इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए सो फर्स्ट क्वार्टाइल को आपको लोअर क्वार्टाइल बोला जाता है सेकेंड क्वाटाइल को मीडियन भी बोला जाता है सेकेंड क्वाटाइल भी बोला जाता है थर्ड कोटाइल को अपर क्वाटाइल भी बोला जाता है ठीक है इस तरह से आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ठीक है तो डिकाइल्स के लिए देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग डिकाइल्स में हैं तो डिकाइल्स के लिए में क्या होता है D1 से लेकर D9 तक होता है D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 सेवन डी ए डी नाइन हम लोग डी टेन डी इलेवन नहीं निकाल सकते सिर्फ डिकाइल में D1 से लेकर D9 तक ही निकाल पाते हैं ठीक है ये नियम है तो इसका फुल कंसेप्ट क्या है डिकाइल कोटाइल समझा दूंगा अगर और चाहेंगे समझना तो अगले वीडियो में समझा दूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं डी वन बोले तो फर्स्ट डिकाइल है डी टू बोले तो सेकेंड डिकाइल है डी थ्री बोले तो थर्ड डिकाइल है उसी तरह से एंड सो सोवन लिखे हुए हैं डी फोर तो फोर्थ डिकाइल डी फाइव फिफ्थ डिकाइल डी सिक्स सिक्स डेकाइल नाइन तक चले जाएंगे तो नाइन्थ डिकाइल हो जाएगा डी नाइन यहाँ पे डी वन का फॉर्मूला है साइज ऑफ वन इंटू एन प्लस वन बाई टेन टी एच आइटम d2 के लिए है साइज़ ऑफ टू इंटू एन प्लस वन बाई टेंथ आइटम d3 के लिए एन प्लस वन बाई थ्री इंटू एन प्लस वन बाई टेंथ आइटम d4 के लिए हो जाता साइज़ ऑफ़ फोर इंटू एन प्लस वन बाई टेंथ आइटम d5 के लिए हो जाता साइज़ ऑफ फाइव इंटू एन प्लस वन बाई टेंथ आइटम उसी तरह से हम लोग d9 तक निकाल लेते हैं फार्मूला सिंपल है याद करना भी सजीलो होगा ईजी होगा आपको तो चलते हैं एक और की तरफ परसेंटाइल की तरफ तो यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटाइल परसेंटाइल निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं पी वन से लेके पी नाइन्टी नाइन तक पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव पी सिक्स पी नाइन्टी नाइन तक ही जा सकते हैं पी हंड्रेड पी वन ज़ीरो वन पी वन जीरो टू हंड्रेड टू नहीं निकाल सकते नाइन्टी नाइन ही तक निकाल सकते हैं आपको याद रखना है तो पी वन के बोलते हैं फर्स्ट परसेंटाइल P2 पी टू को सेकेंड परसेंटाइल P3 पी थ्री को थर्ड परसेंटाइल पी वन का फॉर्मूला हो जाता है वन इन एन प्लस वन बाई हंड्रेड आइटम पी टू का फार्मूला हो जाता है साइज़ ऑफ़ टू इंटू एन प्लस वन बाई हंड्रेड आइटम पी थ्री का फार्मूला हो जाता है थ्री इंटू एन प्लस एन प्लस वन बाई हंड्रेड आइटम उसी तरह से पी पचास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पी पचास निकालेंगे तो साइज़ ऑफ़ पचास इंटू एन प्लस वन बाई हंड्रेड आइटम सिक्सटीन सिक्स जीरो सिक्सटी निकालेंगे तो P60 सिक्सटी इज इक्वल टू हो जाता है साइज़ ऑफ़ सिक्स जीरो सिक्सटी इंटू एन प्लस वन बाई हंड्रेड आइटम इस तरह से एंड सो वन निकाल सकते हैं P99 तक ठीक है तो समरी में आपको बता दूँ यही पढ़े थे ना हम लोग ये फार्मूला सिर्फ याद रखना है समरी में ये याद रखना है क्यू वन बोला जाएगा तो साइज ऑफ़ वन इंटू एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम हो जाएगा क्यू टू बोलेगा तो क्वाटाइल बोलेगा तो साइज ऑफ़ टू इंटू एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम हो जाएगा क्यू थ्री बोलेगा तो साइज ऑफ़ थ्री इंटू एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम हो जाएगा उसी तरह से डिकाइल में आएंगे तो फर्स्ट डिकाइल के लिए ये लगा सकते हैं फार्मूला सेकेंड डिकाइल के लिए साइज ऑफ टू इंटू एन प्लस वन बाई टेंथ आइटम थर्ड डिकाइल के लिए साइज ऑफ थ्री इंटू एन प्लस वन बाई टेंथ आइटम एंड सो वन कर सकते हैं उसी तरह से परसेंटाइल के लिए भी देख सकते हैं फर्स्ट परसेंटाइल का फार्मूला होता है साइज ऑफ़ वन इं टू एन प्लस वन बाई हंड्रेड आइटम पी टू के लिए निकालते हैं साइज़ ऑफ टू इन टू एन प्लस वन बाई हंड्रेड आइटम पी थ्री के लिए साइज ऑफ़ थ्री इंटू एन प्लस वन बाई हंड्रेड आइटम एंड सो वन करके निकाल सकते थे अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ तो ये हमारा क्वेश्चन था कैलकुलेट द थर्ड टाइल सिक्स डेसाइल एंड सेवेंटीन परसेंटाइल हम लोग फार्मूला समझ गए हैं फॉर द फ्लोइंग डेटा ये डेटा है तो हम लोग सोल्यूशन करेंगे ठीक है सोल्यूशन करेंगे तो ये डेटा जो है ये अरेंज नहीं है तो हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे इस डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे लिखते हैं अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ठीक है तो छोटा अंक से लेकर बड़ा अंक तक हम लोग क्या करेंगे इसको अरेंज कर देंगे तो सबसे छोटा अंक कौन सा है इसमें टूवेल्व है तो पहले टूवेल्व लिख लेंगे ट्वेल्व के बाद कौन सा अंक आता है थर्टीन तो थर्टीन लिख लेंगे थर्टीन के बाद कौन सा अंक आता है यहाँ पे देख सकते हैं सिक्सटीन तो सिक्सटीन लिख लेंगे सिक्सटीन के बाद कौन सा अंक आता है सेवेंटीन तो सेवेंटीन लिख लेंगे उसी तरह से अरेंज कर लेंगे हम लोग सारे अंक सेवनटीन के बाद कौन सा अंक आता है यहाँ पे देख सकते हैं नाइनटीन नाइनटीन के बाद कौन सा अंक आता है यहाँ पे देख सकते हैं ट्वेंटी वन है ट्वेंटी वन लिख सकते हैं उसी तरह से ट्वेंटी वन के बाद ट्वेंटी फाइव आता है ट्वेंटी फाइव के बाद ट्वेंटी सिक्स है ट्वेंटी सिक्स के बाद ट्वेंटी सेवन है ट्वेंटी एट है ट्वेंटी नाइन है यहाँ पे देख सकते हैं अब ये काउंट कर लेंगे ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन है ये भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ठीक है इस डेटा को अरेंज कर दिए छोटा नंबर से लेकर बड़ा नंबर में तो जो हमारा यन है जो हमारा यन है वो हमारा इलेवन है सो so, ये येन कैसे मैंने काउंट किया यहाँ से काउंट किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन है या ये काउंट कर ले ये टोटल नंबर इलेवन है इसलिए इलेवन हो जाता अगर ये दस होता तो ये भी दस होता तो, 10 होता, तो यन हमारा दस ही होता ठीक है तो ये काउंट करके हम लोग यन लिख लेंगे सो so, फर्स्ट में क्या पूछा गया हुआ है कैलकुलेट द थर्ड क्वार्टाइल तो हम लोग को मालूम है थर्ड क्वार्टाइल का क्या होता है क्यू होता है फार्मूला क्यू थ्री होता है क्यू थ्री का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था साइज ऑफ साइज ऑफ थ्री इंटू एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम आपने यही पढ़ा था ना थर्ड क्वार्टाइल के लिए आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला थर्ड क्वार्टाइल के लिए साइज़ ऑफ थ्री इंटू एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम पढ़े थे वो मैंने लिख लिया तो फिर से यहाँ पे साइज़ ऑफ है तो वही लिख लेंगे साइज ऑफ थ्री इंटू एन कितना है हमारा हमारा इलेवन है तो यहाँ पे लिख लेंगे इलेवन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम आपको इसी तरह से लिखना होता है आप लोग लिख लीजिएगा उसी तरह से लिख लेंगे साइज़ ऑफ थ्री इंटू इलेवन प्लस वन कितना हो गया टूवेल ट्वेल्व बाई फोर हो जाएगा टूवेल्व बाई फोर्थ आइटम तो इसको फोर थ्री या ट्वेल्व काट सकते हैं हम लोग थ्री से तो जो हमारा आएगा साइज ऑफ थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा थ्री यहाँ पे है थ्री यहाँ पे है तो नाइन्थ आइटम हो जाएगा तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ से यहाँ पे काउंट कर लेंगे अरेंज जो किए होंगे उसी में देखेंगे नौ नंबर में कौन सा पड़ता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ट्वेंटी सेवन पड़ता है नाइन नंबर में तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू थ्री ट्वेंटी सेवन हम लोग थर्ड कोटाइल निकाल चुके हैं यहाँ से हम लोग का जो आंसर है ट्वेंटी सेवन था यहाँ पे बोला था कैलकुलेट थर्ड कोटाइल वो हम लोग निकाल चुके हैं अब सिक्स डेसाइल के लिए चलते हैं ठीक है सिक्स डेसाइल तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से ठीक है तो सिक्स डेसाइल को हम लोग क्या कहते हैं डी सिक्स बोलते हैं ठीक है डी सिक्स का फॉर्मूला क्या था साइज ऑफ सिक्स इंटू टेन प्लस वन बाई टेंथ आइटम यही किए थे ना हम लोग मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर जो डिकाइल है सिक्स डिसाइल में क्या हो जाता है डी सिक्स इज इक्वल टू साइज ऑफ सिक्स इंटू टेन प्लस वन बाई टेंथ आइटम हो जाता है वही मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया तो सिंपली सेम टू सेम कर लेंगे साइज ऑफ सिक्स बोले तो सिक्स यन बोले तो हमारा कितना था काउंट किए था ना इलेवन था ये हमारा यन जो है इलेवन है ठीक है तो वही लिख लेंगे इलेवन प्लस वन बाई टें आइटम तो क्या हो गया हमारा साइज ऑफ सिक्स इंटू इलेवन प्लस वन टूल्व बाई टेन आइटम हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे इसके बाद ठीक है इसमें ध्यान देना होगा आपको साइज ऑफ सिक्स अब इसको भाग करेंगे ट्वेल्व बाई टेन तो कितना आ जाएगा वन पॉइंट टू तो इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से वन पॉइंट टू आ जाएगा ठीक है तो वही लिख लेंगे हम लोग वन पॉइंट टू आइटम ठीक है तो अब क्या हो गया साइज ऑफ इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स इंटू वन पॉइंट टू कर देंगे तो हमारा कैलकुलेटर में कितना आएगा देख सकते हैं यहाँ पे सिक्स इंटू वन पॉइंट टू करेंगे तो हमारा आ जाएगा सेवन पॉइंट टू आ जाएगा तो साइज ऑफ सेवन पॉइंट टू आइटम ठीक है इतना करने के बाद आपको एक बात बताना चाहता हूँ अब सेवन पॉइंट टू आइटम तो यहाँ पे है नहीं सेवन आइटम होता तो हम आंसर लिख सकते थे यहाँ पे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर जो था सेवन आइटम होता तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ले लेते पच्चीस आंसर लिख लेते थे वहाँ सेवन पॉइंट में आया अब पॉइंट के लिए भी क्या करना पड़ता है सेवन होता तो पच्चीस लिख लेते एट होता तो ट्वेंटी सिक्स लिख लेते पर ना सेवन है ना एट है एग्जैक्ट तो आया नहीं यहाँ पे तो सेवन पॉइंट टू आ गया तो क्या करेंगे इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे साइज़ ऑफ सेवन पॉइंट टू आइटम जो है ठीक है तो इसको लेते हैं यहाँ से साइज़ ऑफ़ इसके बाद क्या करेंगे था पता है साइज ऑफ सेवन पॉइंट टू है तो पहले सेवेंथ ले लेंगे ठीक है सेवेंथ आइटम ले लेंगे अब बच गया हमारा जीरो पॉइंट टू बच गया ठीक है तो जो जीरो पॉइंट टू बच गया उसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे जीरो पॉइंट टू ऑफ साइज ऑफ ठीक है सेवन आइटम के बाद क्या आता है एट आइटम तो लिख लेंगे एट आइटम माइनस सेवन आइटम लिख लेंगे इस तरह से ठीक है आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा अब सपोज़ यहाँ पे क्या आता सेवन पॉइंट फोर आ जाता एट पॉइंट फोर आता तो क्या लिखते साइज़ ऑफ एट आइटम प्लस जीरो पॉइंट फोर ऑफ़ साइज ऑफ़ नाइन आइटम माइनस एट आइटम करते एक बढ़ाकर लेकर माइनस कर देते हैं यहाँ पे मानो थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट सिक्स आइटम आता तो साइज ऑफ थ्री आइटम प्लस जीरो पॉइंट सिक्स ऑफ साइज़ ऑफ फोर आइटम माइनस थ्री आइटम करते हैं यहाँ पे साइज ऑफ फोर पॉइंट थ्री आता तो साइज ऑफ फोर आइटम प्लस जीरो पॉइंट थ्री ऑफ साइज़ ऑफ फिफ्थ आइटम माइनस फोर आइटम कर लेते हैं इस तरह से कर लेते अब चलेंगे असेंडिंग ऑर्डर के पास इतना करने के बाद इस तरह से करेंगे ठीक है तो साइज ऑफ सेवन आइटम कौन सा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ट्वेंटी फाइव है तो ये लिख देंगे यहाँ पे ट्वेंटी फाइव प्लस जीरो पॉइंट टू है जीरो पॉइंट टू लिख देंगे इन टू एट आइटम कौन सा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ट्वेंटी सिक्स है तो यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स लिख लेंगे माइनस सेवेंथ आइटम कौन सा है यहाँ पे सेवेंथ आइटम काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो वो काउंट कर लेंगे तो ट्वेंटी फाइव प्लस यह जीरो पॉइंट टू है जीरो पॉइंट टू इंटू ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव वन करेंगे तो वन आएगा इसको जिसको जोड़ देंगे तो ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू हो जाएगा यही हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डिकाइल का सिक्स डिकाइल जो है हमारा ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू आंसर हो जाएगा ठीक है इसलिए मैंने अरेंज किया था डाटा को शुरू में जो क्वेश्चन था उसको अरेंज इसलिए मैंने किया था आई होप आप लोग समझ गए होंगे तो ये जो क्वेश्चन है अब पूछा गया हुआ है कैलकुलेट द थर्ड को सिक्स डेसाइल निकाल चुके हैं सेवेंटी परसेंटाइल पूछा गया है तो सेवेंटी परसेंटाइल के लिए फार्मूला आपको मालूम है ठीक है तो उसको परसेंटाइल के लिए निकाल लेंगे पी सेवेंटी तो क्या लिखते हैं यहाँ पे साइज ऑफ क्या है सेवेंटी इंटू एन प्लस वन बाई हंड्रेड आइटम यही फार्मूला है आपको याद नहीं होगा तो दिखा दूँ तो यहाँ पे जो फार्मूला है परसेंटाइल का पी वन के लिए ये था वन इंटू एन प्लस वन बाई हंड्रेड लिखते थे सेवेंटी के लिए साइज़ ऑफ सेवेंटी इंटू एन प्लस वन बाई हंड्रेड आइटम लिख लेंगे इस तरह से आप साइज़ ऑफ सेवेंटी बोले तो साइज ऑफ सेवेंटी ठीक है एन प्लस वन बाई हंड्रेड है n है, यान कितना था हमारा इलेवन था यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इलेवन है इलेवन लिख लेंगे यहाँ पे इलेवन प्लस वन बाई हंड्रेड आइटम बहुत ही आसान है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना इलेवन प्लस वन टूवेल्व बाई हंड्रेड आइटम हो जाएगा तो इसके बाद क्या करेंगे साइज ऑफ सेवेंटी इंटू इसको इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा वन पॉइंट टू कितना आएगा कैलकुलेटर कर ले टूवेल्व बाई हंड्रेड करेंगे तो कितना आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट वन टू आएगा आपको ट्वेल्व बाई हंड्रेड करेंगे तो ज़ीरो पॉइंट वन टू आएगा वन पॉइंट टू नहीं आएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे सेवेंटीन इंटू ज़ीरो पॉइंट वन टू आइटम अब क्या करेंगे साइज़ ऑफ इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेवेंटीन इंटू जीरो पॉइंट वन टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा एट पॉइंट फोर आएगा यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर में क्लियरली दिख रहा होगा आपको एट पॉइंट फोर है तो वही लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे एट पॉइंट फोर ठीक है तो यहाँ पे लिख लेंगे साइज ऑफ एट पॉइंट फोर आइटम ठीक है अब एट पॉइंट फोर के लिए मैंने क्या बोला था साइज ऑफ़ यहाँ पे लिखना होता है साइज ऑफ एट आइटम प्लस कर लेंगे जीरो पॉइंट फोर ठीक है क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे जीरो पॉइंट फोर इंटू साइज ऑफ क्या कर लेंगे एट है तो नाइन्थ आइटम माइनस एट आइटम एट आइटम इस तरह से कर लेंगे ठीक है यहाँ पे नाइन पॉइंट फोर होता तो साइज ऑफ नाइन्थ आइटम प्लस जीरो पॉइंट फोर इंटू साइज ऑफ़ टेंथ आइटम माइनस नाइन्थ आइटम कर लेते यहाँ पे सिक्स पॉइंट फोर होता सिक्स पॉइंट थ्री होता माने सिक्स पॉइंट थ्री आइटम होता तो साइज ऑफ सिक्स आइटम प्लस जीरो पॉइंट थ्री इंटू साइज़ ऑफ सेवेंथ आइटम माइनस सिक्स आइटम करके निकाल लेते तो साइज़ ऑफ़ एट आइटम अब एसेंडिंग ऑर्डर की तरफ चल लेंगे साइज ऑफ एट आइटम कहाँ है तो एट आइटम जो है आठ नंबर में कौन सा पड़ता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट में ट्वेंटी सिक्स पड़ता है नाइन में ट्वेंटी सेवन पड़ता है ठीक है एट में क्या था ट्वेंटी सिक्स था साइज ऑफ एट आइटम प्लस जीरो पॉइंट फोर इंटू साइज़ ऑफ नाइन्थ आइटम कितना था ट्वेंटी सेवन था एट आइटम ट्वेंटी सिक्स था यहाँ पे काउंट कर सकते हैं यहाँ पे. यहाँ पे आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है और नाइन कौन सा है ट्वेंटी सेवन है नाइन एट ट्वेंटी सिक्स है नाइन ट्वेंटी सेवन है ठीक है तो वही मैंने यहाँ पे किया ठीक है एट आइटम में साइज़ ऑफ़ एट आइटम ट्वेंटी सिक्स प्लस जीरो पॉइंट फोर इंटू साइज़ ऑफ़ नाइन्थ आइटम ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सिक्स किया तो जो यहाँ से आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स प्लस जीरो पॉइंट फोर इंटू ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सिक्स कितना हो जाएगा वन तो इसको इसको जोड़ेंगे तो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर जो है हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से आप लोग परसेंटाइल डेकाइल, कोटाइल निकाल सकते हैं कोटाइल डेकाइल, परसेंटाइल निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन किया मैंने इंडिविजुअल सीरीज का किया आपको बहुत ही आसान से तरीके में सिखाया तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जाता हूँ बाय बाय